पा गए, क्योंकि बहुमत की सरकार बनाने में सफल हो गए। जनता को इस रूप से ये चूसने का रास्ता, इलेक्टोरल बांड के नाम पर ये बीफ कंपनियों से चंदा लेते हैं कि मैं और मेरा परिवार शुद्ध रूप से बीजेपी थे, लेकिन अब दिल टूट गया। 7 साल पहले रही होगी। अगर जनता के पास नेताजी पैसा रहेगा, रुक जाइए भैया, वहाँ की अगर इनके पास, पब्लिक के पास पैसा रहेगा तो क्यों रैन बसेरा में रहेगी? आप बेरोजगारी पे बात करिए ना, रैन बसेरा पे क्या बात कर रहे हैं? जो बहुत वर्ल्ड में चैंपियन कहा जाता है, उस देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो माताओं और बहनों का मंगलसूत्र छीन लेगी। ये क्या भाषा है, ये क्या गरिमा है? आप व्यापारी है वो और बड़ा बन गया, और जो मध्यम है वो एकदम नीचे तबके में चले गए। मैं किसी दल को दोष नहीं दूंगा, ना बीजेपी को, ना बसपा को, ना कांग्रेस को। मैं एक आम जनता हूं, मैं अपना दुख तीनों दलों से कहूंगा। ये है क्या? मैं तो ये पूछना चाहूंगा इन तीनों दलों के लोगों से कि इसमें जनता का विकास है कहाँ भाई? रोड बनवा देना, लाइट लगवा देना, यही जनता का विकास है? मैं तो नहीं मानता हूँ इसे जनता का विकास। विकास के नाम पर क्या चाहिए सर? क्या नहीं चाहिए विकास के नाम पर? विकास के नाम पर बेसिक कार्य क्या हो रहा है? एक नीति, एक शिक्षा होनी चाहिए। कहाँ इस मुद्दे पे कभी किसी से डिस्कस हुई, कभी किसी से बात हुई? उन्होंने अपनी बात कही, कांग्रेस वालों ने अपनी बात कही, बसपा वालों ने अपनी बात कही, सपा वालों ने अपनी बात कही। एक आम जनता से भी तो पूछा जाए, ये लोग मिलके पूछे तो कि आम जनता को क्या चाहिए, ये इन लोगों का दायित्व बनता है। क्या मांग है आपकी आम जनता की? सर देखिए, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं तो यही चाहूँगा कि हर आदमी, जैसे मोदी का नारा रहा या माननीय योगी आदित्य जी का नारा रहा कि सबका विकास सबका साथ, मुझे नहीं लगता है भैया कि सबका साथ सबका विकास है। मुझे तो यही लग रहा है पैसे वालों का विकास है और जो मध्यम वर्गीय हैं वो नीचे जा रहे हैं। सीधी बात आप एक बात मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ ना कि धर्म के नाम पर आ गए हैं, अब नहीं आएंगे। सीधा बात समझिए, मोदी जी बहुत काम किए हैं, नोटबंदी कर दिए, रास्ते पैला दिए देश को, और उसके बाद वो नोट खराब था। जो भी सरकार उस नोट को बनाई हो, मान लीजिए हम तो पूर्व में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हमारे सामने 1,000 का नोट और 500 का नोट चल रहा था, चला खूब। मोदी जी आए और 17 में नोटबंदी कर दिए, 16 सितंबर में नोटबंदी कर दिए, और उनके द्वारा एक नई नोट आई 2000 की। 2000 की नोट आई, हमारे भाजपा के हमारे बड़े भाई बैठे हैं, और मोदी जी ने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं इस नोट में चिप डाल दिया हूँ और इसको कोई ज़मीन के अंदर गाड़ देगा तो सरकार पकड़ लेगी कि वो नोट कहाँ है। उसी दौरान कश्मीर बॉर्डर पे मारे जाते हैं आतंकवादी, और उनके पास से, पब्लिक के पास 2000 नहीं निकलता है, उनके पास उस समय भी वो 2000 निकल जाता है। आज के डेट में वो 2000 का नोट, मोदी जी अगर उस 2000 के नोट पर बहुत संतुष्ट थे तो अपने द्वारा चलाई हुई नोट को अपने ही क्यों बंद कर दिए? आज के डेट में कोई नोट नहीं है 500 की एक नोट के अलावा। अगर मार्केट में हम लोग 10, 20, 25, 50 का नोट 100 का खोजा जाए तो दो नोट तो मिल सकती है, एक 100 की, एक 500 की। इसके अलावा बाकी नोट गया कहाँ? कौन उठा ले गया, कौन ले गया? दूसरी बात, आई थी स्मृति ईरानी सिलेंडर कान्हे पे लाद के, सिलेंडर 480 रुपया बहुत महंगा था, इतना महंगा था कि स्मृति ईरानी उसको फ्री करने वाली थी देश में, फ्री करने वाली थी, तो वो सिलेंडरवा 1200 के रेट में चला गया। कहते हैं सिलेंडर के लिए लाइन लगा रहे थे ना, लेकिन सिलेंडर का लाइन बहुत समय से ख़त्म हो गया। जब इनकी गवर्नमेंट आई थी उसके पहले सिलेंडर इफरात हो गया था, और सिलेंडर की लाइन कोई कांग्रेस और भाजपा नहीं ख़त्म की है। जिन राज्यों में गैस का पाइपलाइन दौड़ जाता है, जिन राज्यों में, हमारे उत्तर प्रदेश में, अभी उत्तर प्रदेश पीछे है, दिल्ली, पंजाब और दक्षिण के राज्य, यहाँ गैस पाइपलाइन है और गैस की व्यवस्था सेंट्रल की व्यवस्था होती है। तो जब सारे सिलेंडर इकट्ठा हुए, और तो वो उन राज्यों में आए जहाँ गैस पाइपलाइन नहीं है, तो वो सिलेंडर वहाँ इपरात हो गए। हमारे पास सिलेंडर गैस पैदा करने की कैपेसिटी ज़्यादा थी, लेकिन सिलेंडर कम थे। अब सिलेंडर इतना है कि सिलेंडर रखा रहता है, लेने वाला कोई नहीं है। तो ये किए तो कुछ नहीं धरातल पे, क्या किए हैं? पेट्रोल गया, डीजल गया, सीएनजी का रेट, पेट्रोल का रेट एक है, गैस का रेट एक है, बचा क्या है? कहाँ महंगाई खत्म हो गई? रोजगार है नहीं हमारे यहाँ, तरंग रेलवे क्रॉसिंग पे कट के मरने वालों की कमी नहीं है। कट के क्यों नहीं कोई मरेगा? हमारे सामने हमारा बच्चा भूखों मरेगा तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे? हमको आत्महत्या करना ही है। शिक्षा की स्थिति ये है,
प्राइवेट स्कूलों में 3500, 4000, 5000 फीस है, वसूला जाता है। अगर आप लाठी, अगर आप प्यार से नहीं देंगे तो कट्टा सटा के लेंगे। ट्यूशन के लिए पैसा देंगे, आप पढ़ाएंगे कैसे बच्चों को? शिक्षा है ही नहीं। जिस स्कूल में आप पढ़ाएंगे, जिस आरपीएम एकेडमी में मेरा बच्चा पढ़ रहा है, उसका उद्घाटन और उसका शिलान्यास योगी आदित्यनाथ करते हैं। योगी आदित्यनाथ के ताकत पे वो वसूली करता है। योगी आदित्यनाथ उससे ये नहीं कहते हैं कि फीस कम करो। सरकार को दीजिए। योगी आदित्यनाथ उस स्कूल वाले करते क्या है? स्कूल वाले फीस देंगे। स्कूल वालों को आप कहा जाएगा किताब लीजिए, कॉपी लीजिए, ड्रेस लीजिए, आप बाहर से लेंगे मान्य नहीं होगा। अब आ जाइए आप रोड पे, रोड की स्थिति, मेन रोडों को छोड़ दीजिए, आप लिंक रोड चले जाइए, ये हमारे भाई हैं इनकी तरफ चले जाइए। हमको लगता है कि जो बसपा गवर्नमेंट में जो काम हुआ होगा 2007 से 2012 तक, वही काम हुआ होगा। आप मेन रोड पे तो चल रहे हैं ना, मेन रोड आपको बहुत सुंदर लग रहा है, गोरखपुर बदल गया है, मेन रोड बदल गया है, सब हो गया है। थोड़ा गलियों में जाइए जहाँ लोग आदमी जीवन जीने को एकदम, जहाँ पढ़ाई पे 18% जीएसटी लिया जा रहा है, हमारे यहाँ स्थिति ऐसी। अरे ये राशन पर वोट पा गए, चूंकि बहुमत की सरकार बनाने में सफल हो गए, जनता को इस रूप से ये चूसने का रास्ता, इलेक्टोरल बांड के नाम पर ये बीफ कंपनियों से चंदा लेते हैं और ये गौ को माता कहते हैं। चंदा वंदा हर पार्टी, हर सरकार लेते हैं, हम हर दलों में लोग लेते रहते हैं, चंदा लेना, पार्टियों को देना, व्यापारी जो बड़े होते हैं वो करते हैं, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है समाज हित में वो सब। हमारे हमारा चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मैं और मेरा परिवार शुद्ध रूप से बीजेपी थे, लेकिन अब दिल टूट गया है। बचाए रखिए, दिल को तोड़िए मत। इतने सारे देखिए, ये पूरा पक्ष जो है एक तरीके से, ध्यान से सुना हूँ, पंकज भाई ने कहा कि चिप नोट में लगा था, मोदी जी ने कहा था, ऐसा कहीं कोई बयान दिखा दीजिए। ये मोदी जी का बयान नहीं था कि चिप, ठीक है ना? मोदी जी का, आप भी पत्रकार साथी हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, कहीं ऐसा मोदी जी का बयान नहीं था कि चिप, और उन्होंने और उसमें यहाँ था कि कंडीशनल समय आने पे नोट बदला जाएगा। अच्छा, अरे भैया जनता ऐसी कौन सी सुविधा जो चाहिए? सड़क, बिजली और पानी, सड़क और बिजली पानी की व्यवस्था आप देख सकते हैं, सड़क और बिजली और पानी क्या स्थिति, बहुत अच्छी स्थिति है इस सरकार में। और आप जहां बैठे हैं रैन बसेरा में, यहां की व्यवस्था आप देख लीजिए, ये हैं, इनसे पूछिए क्या स्थिति इसके पहले रही होगी, 7 साल पहले रही होगी। अगर जनता के पास नेताजी पैसा रहेगा, रुक जाइए भैया वहाँ की व्यवस्था ऐसा हमको अगर देश में, अरे जी पूज्य मुख्यमंत्री जी यहाँ की आके व्यवस्था देख, कौन मुख्यमंत्री रैन बसेरा देखता व्यवस्था? अरे भैया ये बताइए, अगर इनके पास पब्लिक के पास पैसा रहेगा तो क्यों रैन बसेरा में रहेगी? आप बेरोजगारी पे बात करिए ना, रैन बसेरा पे क्या बात कर रहे हैं? रैन बसेरा कोई मुद्दा है? इस देश का प्रधानमंत्री जो यशस्वी कहा जाता है, इस देश का प्रधानमंत्री जो बहुत वर्ल्ड में चैंपियन कहा जाता है, उस देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो माताओं और बहनों का मंगलसूत्र छीन लेगी। ये क्या भाषा है, ये क्या गरिमा है, क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री जी? ये समझ नहीं, प्रधानमंत्री जी की बात इनको समझ में नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो विधायक, कितने विधायक और कितनी विधवाएं हैं इस प्रदेश में, उनके सरकार में कितनी हत्याएं होती थी, इनको नहीं समझ में आ रहा है। मंगलसूत्र को पकड़े हुए हैं। नेताजी एक बात बताइए, आप अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा में हैं, लाल कृष्ण आडवाणी की भाजपा में हैं, मुरली मनोहर जोशी की भाजपा में है, सुषमा स्वराज की भाजपा में है, या मोदी और अमित शाह की भाजपा में? ऐसा है, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों वाली ही भाजपा है, वही विचारधारा मोदी जी की है, मोदी जी की है। मैं अटल जी के विचारों से सहमत हूँ, ये जो रोड बन रहा है वो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रोड को भारत विश्व बैंक की परियोजना से जोड़े जाने पे, अटल जी ने विश्व बैंक की परियोजना से जोड़ी थी। बहुत बहुत धन्यवाद साथी पंकज भाई की, अटल जी को तो आप मानते हैं, ये नहीं तो अटल जी की ही विचारधारा मोदी जी की विचारधारा है, उसी विचारधारा तो आपके हिसाब से। रुक जाइए भैया, अरे भैया रुक जाइए, राजतंत्र का अटल जी के समय में, बैठ जाइए, जा रहे हैं, बैठ जाइए। अटल जी के समय में अटल जी एक नेता थे
जिनको 74 साल में योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिटायर कर दिया, घर बैठा दिया, मुरली मनोहर जोशी को घर बैठा दिया, और एक साल का टर्म बचा है नरेंद्र मोदी का, जिसको कहते हैं कि जब तक मोदी जिंदा रहेंगे देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। राजनाथ सिंह ने आज तक पे ये स्टेटमेंट दिया था, ब्रेकिंग न्यूज चला है अभी, अब ये कहेंगे वो भी गलत है, तो क्यों नरेंद्र मोदी देश के 75 साल में रिटायर क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं? अभी तो 73 साल के हैं, आप 75 लगाए हुए हैं। सरकार आपकी है, आधार कार्डवा उनका फिर से 00 करके कह दीजिए पैदा हुए हैं अभी। नहीं नहीं, देखिए नरेंद्र मोदी जी सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं आज के समय में। इसके पहले 55 साल देश में, इसके पहले 55 साल देश में प्रधानमंत्री कहाँ थे? ये देश विधवाओं का देश है, बिना प्रधानमंत्री के देश। 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद हमारा प्रधानमंत्री स्टेज पर आता है और बोलता है इस हिंदुस्तान की जनता को 29 तक फ्री राशन मिलता रहेगा, ये बात बोलता है प्रधानमंत्री। वो ये नहीं बोलता है कि हम आपको इस लायक बना देंगे कि आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत, आप कह रहे थे मैं आत्मनिर्भर बनाऊंगा, आप अपने निर्भर कर दिए, कारपोरेट के वो मिला लिया और इस जनता का शोषण हो रहा है, इतना शोषण हो रहा है, मैंने पेंसिल कागज पढ़ाई इतनी महंगी हो गई कि सामान्य सामान्य विचारधारा के लोगों के पिताजी जो 60 साल पार कर लेते थे लॉकडाउन में, 60 साल के बाद इनके भी पिता माताजी जो हों वो सीनियर सिटीजन पे 1/3 के किराए पे पूरा भारत घूमते थे, लेकिन सब बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने रेलवे का निजीकरण करके वृद्ध जो हमारे परिवारजन के बुजुर्ग हैं उनका सीनियर सिटीजन क्यों बंद कर दिया? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, पहली बार जैसे प्रधानमंत्री बने हो, कौन सा ऐसा नोट था 55 साल कांग्रेस ने चलाया, पूर्ण बहुमत की सरकार पर आए, पहला काम उन्होंने किया हमारा खाद कारखाना बंद कर दिया, खाद कारखाना बंद कराया। देखिए जा रहा है, रोकिए भाजपा वाले जा रहे हैं, चलिए समय जी। कांग्रेस के जो भाजपा वाले ये बताएं कि 55 साल केंद्र में कांग्रेस और उससे गठबंधन संबंधित प्रधानमंत्री रहे देश में 55 साल, 1,000 और 500 की नोट वो चलती रही, बाकी नोटें चलती रहीं, एक का भी नोट मिलता था वो सारी नोटें खत्म हो गई। अब मोदी जी जो अपने 2000 का नोट पैदा किए थे, अपने बनाए थे, 16 में बनाए, अब पता नहीं क्या स्थिति परिस्थिति बनी कि भाई हम बंद कर दिए, आप बंद क्या कर दिए, नोटिया गायब हो गया, भाई अपने 2000 की नोट नहीं उपलब्ध। अपने मित्रों के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाना था, इसी नाते नोटबंदी की गई थी, और कोई मकसद नहीं था इस बीजेपी सरकार का नोटबंदी। लोग लाइन में मर गए, इसी नाते कितने लोग लाइनों में, और कोई भी पैसा वाला जितने लोग यहाँ हो पूरे देश में घूम लीजिए, कोई पैसे वाले ने कभी लाइन नहीं। साथी कह रहे कितने लोग लाइन में मर गए, बिल्कुल यह 16 की घटना है, नोटबंदी 16 की घटना है, उसके बाद 19 में हमको ने हम लोगों को जनता ने आशीर्वाद दिया, 303 सीटें दी, अभी लोगों को सिर्फ बुराई है भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रहा है। कहा कि मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है, मोदी जी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़े थे एमपी का, उत्तर प्रदेश से, तो उन्होंने कहा था सबके खतवा में जनधन खाता खोलवा लीजिए, 14 लाख रुपया जाएगा, 14 लाख। और आपने कहा कि मोदी जी, अभी आप कह देंगे कि नहीं वो कहे ही नहीं थे, अब अदवा मोदी जी कह रहे हैं 19 के चुनौवा में कि ये तो जुमला था, शाह जी बोले तो कहेंगे नहीं था, मोदी जी कुछ नहीं कहते। अब देखिए, अब चश्मा इन लोगों ने दूसरा पहन लिया है, 4 जून को रिजल्ट आएगा किसकी सरकार बन रही है, जब भारत सरकार बन रही है, 300+ इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रहे हैं। पब्लिक ने राम को लाए हैं, उनको हम लाएंगे। देखिए अब एक बात और जनता के दिल में है राम। अब इनका कहना ये है, भैया रुक जाइए, आज इन्होंने ये स्वीकार किया कि राम को लाने की हैसियत प्रधानमंत्री मोदी में और भारतीय जनता पार्टी में है। मैं कभी भी मोदी को भारतीय जनता पार्टी में मानने को तैयार नहीं हूं, इसलिए नहीं हूं कि मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज जैसे नेताओं का तिरस्कार किया है और अपने बनने के लिए इन लोगों को गर्भ में डाल दिया है। आज भी मुरली मनोहर जोशी राम जय श्री राम। पूरा बीजेपी गवर्नमेंट कटघरे में खड़ी है, पूंजीवादी। क्या नाम है? ये बात तो समझ में आ गया जी। महेंद्र सेठ, ये बताइए, इतनी तगड़ी बहस हुई, लंबी बहस हुई, किसके पक्ष में आप जा रहे हैं? देखिए, मैं जनता के पक्ष में हूँ। जो विकास पक्ष में, तो जनता क्या कह रही है? जो विकास जी बोले हैं, जितनी बातें कहे हैं, क्या लगा सारा विकास इस शिक्षा पे और रोजगार पे कोई ध्यान नहीं है भाजपा का। और
जितनी भी हॉस्पिटल है, जितने भी डॉक्टर हैं आप पे, समझ लिए गोरखपुर में डॉक्टर लूट रहे हैं पेशेंटों को। अगर पेशेंट का औकात नहीं है फीस देने के लिए, वहाँ 800 पेशेंट मरीज फीस दे रहे हैं और ट्रीटमेंट करा रहे हैं, वो भी ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हो रहा गोरखपुर में। क्या नाम है? संतोष विश्वकर्मा। क्या बताइए, क्या माहौल है, किसके पक्ष में आप हैं? सच में सरकार एकदम पक्ष में, हम लोग क्या बताएं, अभी ऐसा जनरेशन आ गया है कि बच्चे बच्चे जो टूट गए हैं, पढ़ाई लिखाई करके कोई मतलब नहीं मिल रहा है, सब तकलीफें हैं, पूरा तकलीफ ही तकलीफ है। अच्छा, अभी आगे बढ़िए जी, बताइए जी, आप लोग नजरिए से क्या लग रहा है इसकी सरकार? क्या बताएं, बेरोजगारी तो बहुत है, सब परेशान है भाई, कैसे क्या किया जाए, सब लोग बिल्कुल बहुत परेशान है जी। आप बताइए, सच में बेरोजगारी है, कुछ बदलाव भी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तो कुछ हुआ ही नहीं है। सरकार जो है धर्म के नाम पे लोगों को बांट रही है, अब बेसिक मुद्दे से भटका रही है, बिल्कुल भटका रही है, धर्म को धंधा बना रही है। हाँ, माहौल खराब होने वाला है बीजेपी का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है दोस्त? राहुल कुशवाहा। क्या सहमत है आप, बेरोजगारी है, परेशानी है, क्या लग रहा है? बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है जी। सर परेशानी तो है, सरकार किसकी बन रही है? अब इस समय सरकार का क्या बता सकते हैं, अब जिसका भी बने अच्छा है।